पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के नेतृत्व में शाम को कांजघर चौक से लेकर लाल माटी गोपाल होटल तक मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेत्री कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। कांग्रेस द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी ब्लॉकों में लखन घनघोरिया द्वारा मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। भाजपा शासन और नगर सत्ता के विरोध में घनघोरिया द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उनके इन आंदोलनों में मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। नगर निगम हर चीज में टैक्स को ले रही है, नई नई कराधे अभी रोपित करती है, यहाँ तक कि हवा का कर लेना चाहती है, हाथों पे कर लगाना चाहती है, संपत्ति कर से लेके स्वच्छता के नाम से लेके जल कर से लेके प्रकाश कर सब लेती है, लेकिन नगर निगम में अभी पहली की कोई लाइट खराब हो जाए तो होल्डर से लेके फिटिंग से लेके बल्ब तक बदलने की ये कह दिया जाता है कि पैसे नहीं। किसी पंप में किसी संपर्क वाले पंप बिगड़ जाए बन जाए तो चार चार महीना है, यहाँ तक कि माल बदलती है जिससे पानी की सप्लाई होती है वो ही सुधर के आ रही है। कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, नगर निगम के अधिकारी पूरे शहर से टैक्स वसूल किए जा रहे हैं सुविधा के नाम पे, हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही, जनमानस के साथ नगर निगम वैसा व्यवहार कर रहा जैसा एक व्यापारी किसी ग्राहक से व्यवहार करता है, और नगर निगम व्यावसायिक संस्थान नहीं है, जनता के हित में जनता के लिए बनाई गई संस्थान है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चारों तरफ कचरों का ढेर का अंबार लगा हुआ है, राशन कार्ड में नगर निगम का हमला, म्यूचुअल कार्ड नाम को कार्ड तमाम बातों को लेकर कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन है। हम मसाल जला के हर ब्लॉक में संवाद कर रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र जाए नहीं तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, नगर निगम को पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया का कहना है कि नगर निगम द्वारा नागरिकों से टैक्स की वसूली की जा रही है लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। शहर में सभी जगह समस्याओं का अंबार लगा है लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण की नींद में सो रही है।